इंट्रोडक्शन। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये तो वो नन्हे फूल हैं, वो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे किसे अच्छे नहीं लगते, क्या बच्चों से आपकी बात मनवाना आपको आसान लगता है? ज़्यादातर मामलों में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बच्चे कहाँ किसी की सुनेंगे जिनका नेचर ही जिद से भरा होता है। लेकिन कितना अच्छा हो अगर बच्चे आपकी हर बात मानने लगे। नमस्कार, मैं हूँ सोहन। हम आपको जादू या टोना या टोटका नहीं बताएंगे, हम सेरा यूनिवर्सल पर लाए हैं हाउ टू टॉक सो किड्स विल लिसन बुक समरी, जिसके ऑथर हैं एडल फेवर और एलन मस्कलिस। इस बुक की समरी का नाम सुनकर ही आपको इस बात का अंदाज़ा तो लग ही गया होगा कि समरी में आपको कुछ सब कुछ जानने का मौका मिलने वाला है। दरअसल कुछ वक्त तक ऑथर को ऐसा लगता था कि बच्चों को समझना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जब वह खुद माँ बनी तो इस बात का अंदाज़ा हो गया बच्चों को समझना और उनकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना पेरेंट्स के लिए काफ़ी टफ काम होता है। इसलिए उन्होंने कई वर्कशॉप अटेंड की जहाँ पर उन्होंने यह सिखाया गया कि पेरेंट्स अपने बच्चों को किस तरह उन्हें समझ सकते हैं, उनकी फीलिंग्स के बारे में किस तरह से जान सकते हैं, और अगर बच्चे अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनते इस सिचुएशन में पेरेंट्स के पास क्या क्या तरीके हैं। अब सवाल ये आता है कि ये किताब आपको आखिर क्यों सुननी चाहिए, इससे आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है? तो इसका सीधा सा ये जवाब है कि अगर आप एक पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में परेशान रहते हैं, तो यकीन मानिए कि यह है बुक समरी आपके लिए ही है, क्योंकि इस बुक समरी में आप यह जान सकेंगे कि पेरेंट्स अपने बच्चों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरह से निकाल सकते हैं। या फिर पेरेंट्स अपना हमेशा यह शिकायत करते हैं कि उनके बच्चे उनकी बात नहीं मानते, उनके कहने के बाद भी वो सारे काम करते हैं जो उन्हें पसंद नहीं है, तो ऐसे पेरेंट्स के लिए भी यह किताब किसी मैजिक से कम नहीं है, क्योंकि जब आप इस बुक समरी को सुनेंगे तो आपको यह अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिर आप कहाँ गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी और आपके बच्चों के साथ उनकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है। इस बुक समरी में आपको यह जानने का मौका मिलेगा कि हम अपने बच्चों की फीलिंग्स को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं और उनकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना कितना ज़रूरी है। इसके अलावा ऑथर ने पनिशमेंट के बारे में भी जिक्र किया है। दरअसल ज़्यादातर पेरेंट्स इस बात पर यकीन कर रखते हैं कि बच्चों को पनिश करके ही उनको सुधारा जा सकता है या फिर उनसे अपनी बात मनवाई जा सकती है, लेकिन जब आप इस बुक समरी को सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि बच्चों को पनिशमेंट देना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। तो इसके साथ साथ ऑथर ने यह इस बात का भी जिक्र किया है कि आपका बच्चा कुछ अच्छा करता है, पेरेंट्स को उसकी तारीफ किस तरह करनी चाहिए, क्योंकि कई बार माँ बाप अपने बच्चे की इतनी तारीफ कर देते हैं कि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, और कई बार माँ बाप अपने बच्चे की बिल्कुल भी तारीफ नहीं करते, उसका भी गलत इम्पैक्ट बच्चे के फ्यूचर पर पड़ता है। तो आपको इस बुक समरी में और भी इस तरह की कई बातें जानने का मौका मिलेगा। ज़्यादातर लोग इस बात पर यकीन करते हैं कि माँ बाप के अलावा कोई भी उनके बच्चे को ठीक से नहीं समझ सकता, लेकिन यह बात भी पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि माँ बाप भी कई बार अपने बच्चे को नहीं समझ पाते और ऐसे लगने लगता है कि हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुनता। लेकिन अगर ध्यान दिया जाए तो बच्चे तभी अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनते जब उन्हें लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमें समझ नहीं पा रहे। जैसे मान लीजिए आपका बच्चा आपसे कह रहा है कि मुझे पिज्ज़ा खाना है और आप उसे सीधा मना कर देते हैं, नहीं तुम्हें पिज्ज़ा नहीं खाना, तुम्हें आज घर का ही खाना खाना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में आपका बच्चा यह समझ नहीं पाएगा कि उसके पेरेंट्स उसे पिज्ज़ा खाने से क्यों रोक रहे हैं। इसलिए आपका बच्चा कभी जिद करे कि आपको उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए कि आज तुम्हें पिज़्ज़ा क्यों नहीं खाना चाहिए और पिज़्ज़ा खाने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। जब आप अपने बच्चे को इस तरह समझाएंगे तो आपकी बात को वो समझेगा और आप अपने बच्चे के साथ अच्छी बॉन्डिंग बना पाएंगे। इस ऑडियो बुक में आपको कई ऐसे तरीकों के बारे में आपको जानकारी मिल पाएगी और उन तरीकों का इस्तेमाल करके आप ये पाएंगे कि आपकी और आपके बच्चे की ज़िंदगी में अच्छा बदलाव हो रहा है और आपका बच्चा अब आपकी बात भी सुन रहा है। तो ये बुक समरी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इस बुक समरी के अंत तक पहुँचते पहुँचते आप ये जानेंगे कि इस किताब को पढ़ने के बाद कि कितने पेरेंट्स को इसका फ़ायदा मिला है।
पेरेंट्स अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में हमेशा परेशान रहते हैं और उनकी टेंशन इस किताब को पढ़ने के बाद एकदम से गायब हो गई। इसके अलावा उन्होंने बच्चों के साथ ऐसा बॉन्ड बनाया जो हमेशा कायम रहने वाला है। तो चलिए अगले एपिसोड की ओर, ज़रा हम बच्चों की फीलिंग्स को समझने के बारे में जानेंगे। और आप सुन रहे हैं सेरा यूनिवर्सल पर।